अब आप बारी आ गई है ये जानने की इसने माइलेज कितना दिया है। गोल्ड स्कॉर्पियो जो है जो अभी बिक रही है, जो लोगों को पसंद रही है शुरू से, तो उसमें इसमें भिन्नता जाननी है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड प्रेजेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। इसके पहले क्या किया था आपने माइलेज टेस्ट देखा था मेरा, जब मैंने पेट्रोल स्कॉर्पियो इनका माइलेज टेस्ट करके आपको बताया था कितना माइलेज देती है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे साथ डीजल स्कॉर्पियो एन 4x4 है और ये इसका मैनुअल वेरिएंट है, यानी कि Z8 लग्जरी वेरिएंट है और इसमें मैं चला रहा हूं मैनुअल डीजल और आपको बताने वाला हूं माइलेज टेस्ट करके कि ये कितना माइलेज देती है। जब आप डीजल में स्कॉर्पियो एन खरीदेंगे, खास करके मैनुअल, तो आपको कितना माइलेज मिल सकता है, तो मैं मैक्सिमम माइलेज आपको यहां पर बताने वाला हूं। और सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसका टैंक फुल करवाते हैं, इसके बाद में आपको बताते हैं कितना इसने माइलेज दिया। तो चलिए सबसे पहले इसको लेकर जाता हूं टंकी पर, यानी कि पेट्रोल पंप पर, जहां भरवा लेता हूं इसकी पूरी टंकी और ये ब्रिम टू ब्रिम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं पेट्रोल पंप। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त जरूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आपकी ज़रूरत है तो यहां से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो इस माइलेज टेस्ट के दौरान कुछ और चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये है कि डीजल का मैंने रिव्यू नहीं किया था, तो अब मैं अलग से रिव्यू वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में बताता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है चलाने में। और जब आप ये स्कॉर्पियो एन डीजल में खरीदेंगे, खास करके जब इसका 4x4 आप लेंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहेगा पूरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहीं पर इलेक्ट्रॉनिकली आपको बटन मिल जाता है, आप क्लिक कर दीजिएगा। 4WH यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं तो ऑन रोड हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट करने नहीं जा रहा हूँ और यहाँ नॉर्मल मोड पर बैठा के मैं चला रहा हूँ। 3 मोड और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जो इसका पावर आउटपुट है, क्योंकि जिसका इंजन है डीजल इंजन, वो देता है 172.45 BHP की शक्ति और 370 Nm का इसे टॉर्क निकलता है। और जब आप चलाना शुरू करते हो तो वहाँ पर ये बहुत अच्छी लगती है, वजह बताता हूँ इसका। एक तो पिकअप आपको अच्छा लगेगा डीजल के लिहाज से, लेकिन जो क्लच है ना, इसका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ऊपर तक आता है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है या लगेगा भैया पैर थका रहा है, बार बार ये करना पड़ रहा है। और कई बार अगर आप ट्यूनिंग नहीं बिठा पाओगे तो थोड़ा सा ये आपको एडजस्ट होने में वक्त लगा सकती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है और जब आप इसे लेके ड्राइव कर रहे होगे, खास करके जब मैं लोगों के साथ में ड्राइव कर रहा था, 7 लोगों को बिठा के, तो उन सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आया, जिस तरीके से वहाँ से निकली ना, सब ने बोला कुछ भी हो भैया इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। तो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है कंपनी ने, ट्यूनिंग बहुत ही लाजवाब है। और जो आपको इसमें सिस्टम मिल रहा है, जब आप चला रहे होते हो खास करके, तो आप एक एक चीज़ फील कर पाते हो। मैं जहाँ पर जिस रफ्तार पर चला रहा हूँ ज़्यादातर, वो है 80 से 100, क्योंकि इसके ऊपर जाऊँगा तो चालान भरना पड़ेगा, तो मैं इसी रफ्तार में से चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल है, मन तो कहता है कि 100 के ऊपर 120 तक भी ये बड़े आराम से चलेगी, लेकिन वही हो जाता है कि फिर आपको लिमिट, जो अनुशासन रखा गया है, उसको भंग करना पड़ेगा, जो कि एकदम उचित नहीं रहेगा। लेकिन
जब आप इसे चलाओगे तो मन तो करेगा कि बहुत कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा आप अपना धैर्य में रखिएगा, इमोशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। 80 से 100 के बीच में मुझे लगता है बहुत ही आराम से चलती है, और यही वो जगह है जहाँ पर आप क्रूज कंट्रोल लगा के इसे छोड़ दीजिए और ये गाड़ी अपना काम करती रहेगी और आपको मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। जो माइलेज मुझे अभी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर MID पर दिख रहा है वो है 10.5 किलोमीटर प्रति लीटर, और मुझे लगता है कि अगर मुझे 13-14 भी मिल गया तो मुझे लगता है कि परफेक्ट माइलेज होगा। बट जिस कंडीशन में मैंने चलाया तो हो सकता है माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हो, क्योंकि 7 लोगों को बिठा के चलाया है, सिटी कंडीशन में बहुत कुछ मैंने इसे ड्राइव किया है, तो वहाँ पर माइलेज थोड़ा सा वेरी कर सकता है। और जो कंपनी दावा करती है उसको तो मैं नहीं जा रहा हूँ कि मैं क्लेम करके बता दूंगा, क्योंकि मैं लगातार हाईवे पर नहीं चला रहा हूँ, खास करके जब दिल्ली NCR जैसे शहर में रहते हो वहाँ पर आपको खुली सड़कें एकदम नहीं मिलती हैं पूरी। तो जिन सड़कों में चला रहा हूँ वहाँ के हिसाब से आपको बताऊँगा पूरा। जो मेरी एवरेज रफ्तार निकल रही है वो 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे की ही निकल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन मैंने सारे कंडीशन इसमें अप्लाई करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं हाईवे पर चल रहा हूँ तो हाईवे आपको नज़र आएगा और आपको सिटी ट्रैफिक भी दिखेगा, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मैंने इस गाड़ी से किया है। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में कुछ इस तरह से मिला जुला रहा है, जहाँ पर मैंने कोशिश की है कि भैया आपको बता सकूं कि एग्जैक्ट माइलेज मिलता कितना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब माइलेज टेस्ट किया था तो पहाड़ों में किया था, पहाड़ों में हम लोग ड्राइव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी। लकीली आज बारिश नहीं हो रही है, वेट कंडीशन एकदम नहीं है, तो बोल सकते हैं एक आइडियल कंडीशन में मैं इसे चला के माइलेज रन कर रहा हूँ, तो गलत नहीं होगा। तो चलिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना माइलेज आएगा, बट थोड़ा सा मूव करते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और अभी थोड़ा चलाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ 100 किलोमीटर के आसपास चला लूँ, फिर आपको बताऊंगा इसने कितना माइलेज दिया है। मैं काफ़ी कुछ इसे चला चुका हूं और अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर 11.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रही है। कुछ चीज़ों की चर्चा और कर लेता हूं, क्योंकि रिव्यू इसका नहीं आएगा, डीजल का मैं रिव्यू नहीं करने जा रहा हूं, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंसेस ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन यहां पर आपको बताता चलूं कि पेट्रोल की तुलना में इसमें अलग फील आपको 100% मिलने वाला है। जब आप इसे चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया था कि इसका जो क्लच का ट्रैवल है बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा फील होने वाला है, बाकी आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, विजिबिलिटी वगैरह अच्छी मिल जाती है। कुछ फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं जो ऑटोमेटिक डीजल में मिलेंगे, जैसे कि चिप चैप जूम मोड आते हैं उसी में मिलेंगे, इसमें आपको नहीं मिलने वाले हैं मैनुअल में। तो इसमें आपको सिर्फ ऑफ रोडिंग वाले सारे मोड मिल जाते हैं, जो मैं पहले आपको महिंद्रा ने बताया था वो 4x4 में आपको ये मिलने वाला है, लेकिन चलाने में आपको बहुत आनंद आएगा, और जैसा आप चलाओगे वैसा आप पाओगे। अगर आप माइलेज के लिए खरीद रहे हो तो ध्यान रखना कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपको क्या माइलेज मिलने वाला है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी लगी मुझे, मुझे लगता है कि परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और लोग इसे मुड़कर अभी भी देखते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा लगे, क्योंकि अभी जब मैं ड्राइव कर रहा था तो एक स्कॉर्पियो वाले भाई साहब आ गए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे तो उन्होंने गाड़ी साथ में लगा लिया, और यहां से आपको एक फील मिल जाएगा इस गाड़ी का कि अगर स्कॉर्पियो से कंपेयर करना है इसे, जिससे ओल्ड स्कॉर्पियो जो है जो अभी बिक रही है, जो लोगों को पसंद रही है शुरू से, तो उसमें इसमें भिन्नता जाननी है तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड प्रेजेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। दोनों गाड़ियाँ जब एक साथ सड़क पर होती हैं तो कौन सी बुलंद है, ये आप जरा कॉमेंट करके बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ। लेकिन अब बारी आ गई है कि मैं दोबारा इसका टैंक फुल करवा लूँ और आपको बता दूँ कितना माइलेज मुझे मिला है। तो मैं अग्रसर हो चुका हूँ दोबारा अपने उसी पेट्रोल पंप पर जहाँ पर मैंने पहले डलवाया था लगभग 40 लीटर डीजल, और अब कितना आएगा मुझे नहीं पता है, जब डलवाएंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन 100 किलोमीटर के आसपास मुझे लगता है ये हो जाएगा जब मैं वहाँ पहुँचूंगा पंप पर, जितना भी होगा मैं वो आपको बता दूंगा। तो चलिए, अब आप बारी आ गई है ये जानने की इसने माइलेज कितना दिया है, तो सीधा रुख पेट्रोल पंप की तरफ।
42 टेस्ट को करने के लिए मैंने 4264 रुपए खर्च कर दिए हैं और 91 किलोमीटर चलाने के बाद में मेरे सामने माइलेज है 12.63 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसने मुझे दिया है। जब पूरा टैंक फुल करवा के मैं आगे जाके चलाया शहरी कंडीशन में हाईवे पर और हर जगह जो उस कंडीशन हो सकती थी प्रैक्टिकल वहाँ पर चलाया, तो इसने मुझे जो माइलेज निकाल के दिया है वो 12.63 किलोमीटर प्रति लीटर का है। और आपको बता दूं जब मैंने दोबारा टैंक फुल करवाया है तो 7.20 लीटर फ्यूल इसमें आया है। और इस माइलेज टेस्ट में मुझे सिर्फ इतना बोलना है, अगर आपको डीजल पसंद है इस सेगमेंट में तो मुझे लगता है ये स्कॉर्पियो जो हॉट केक बनी हुई है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वजह है, ये माइलेज और इम्प्रूव हो सकता है। अगर मैंने शहरी कंडीशन में ड्राइव किया होता तो मुझे पक्का पता है मुझे और कुछ ज़्यादा बढ़िया माइलेज ये निकाल कर दे देती और वो माइलेज शायद 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर का भी हो सकता था। लेकिन जैसे आप चलाएंगे वैसा आप पाएंगे और जैसा कंडीशन होगा वैसे ही माइलेज निकल के सामने आएगा, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी होगी स्कॉर्पियो में मुझे लगता है ये डीजल मैनुअल होने वाली है, क्योंकि ये अलग लेवल है और एक अलग इमोशन है। अगर पुराने स्कॉर्पियो से कंपेयर करके देखेंगे तो ये काफ़ी कुछ आपको अलग रिफाइनमेंट के साथ में मिलने वाली है, जिसे लोग बोलते हैं शहरी बन गई है अब ये स्कॉर्पियो एन। तो स्कॉर्पियो है लेकिन स्कॉर्पियो एन भी है, अब दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि क्या खरीदना है। मेरे माइलेज टेस्ट में जो मुझे बताना था वो बता चुका हूँ। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं कुछ और वीडियो आपके लिए करके लाता हूँ, तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।